मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोतवाली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा के साथ मामा भांजा को किया गिरफ्तार। दरअसल मुंगेर के कोतवाली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए लाल दरवाजा गंगानगर स्थित एक घर में छापेमारी कर 40 किलो 25 ग्राम गांजा की बड़ी खेप बरामद की है। वहीं इस दौरान पुलिस ने सप्लायर और कारोबारी मामा भांजा को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस दंडाधिकारी की उपस्थिति में गांजे के खेप को सील करते हुए गिरफ्तार दोनों मामा भांजा के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही जारी है। वहीं इस मामले में सदर डीएसपी राजेश कुमार ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लाल दरवाजा गंगानगर में गांजा का अवैध कारोबार चल रहा है, जबकि गांजा की बड़ी खेप भी जमा की गई है। इसके बाद कोतवाली पुलिस बताते चले द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश रॉय के साथ गंगानगर पहुंचकर स्वर्गीय गौरी शंकर यादव के पुत्र राजा कुमार के घर पर छापेमारी की गई, जहां एक नवनिर्मित घर के कमरे में 11 पैकेट में रखा 40 किलो 25 ग्राम गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई। इसके बाद पुलिस द्वारा वहां से राजा कुमार के साथ उसके मामा खगड़िया जिला के परबत्ता थाना क्षेत्र के लगाड़ वार्ड संख्या 7 निवासी परमानंद यादव के 36 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बरामद गांजे की खेप का तौल दंडाधिकारी के समक्ष किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया है कि आपको बताते चलें कि गिरफ्तार नीरज कुमार और राजा कुमार आपस में मामा भांजा हैं। नीरज बाहर से गांजा लाकर राजा के घर पर सप्लाई करता था। पुलिस द्वारा दोनों गिरफ्तार मामा भांजा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्यवाही की जा रही है। गंगानगर जो कोतवाली थाना अंतर्गत है मुंगेर जिला में, ये एक सूचना प्राप्त हुई थाना अध्यक्ष कोतवाली को कि गंगानगर में एक घर में गांजा की खरीद बिक्री होती है। इस सूचना का सत्यापन किया गया और गुप्तचर तैनात किया गया, और साथ में जब उस घर को कॉर्डन किया गया तो और जब तलाशी ली गई विधिवत, तो 40.25 केजी गांजा बरामद हुआ है। और इसमें दो मामा भगिना हैं, नीरज एंड राजा, उनको उनकी संलिप्तता इसमें प्रथम दृष्टता में आई है और इनको डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। हम लोग इसमें बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज का भी कुछ पूछताछ कर रहे हैं कि ये कहाँ से लाते थे और कौन कौन इनके क्लाइंट थे जो खरीदते थे। ये सारे ऑपरेशन हमारे पुलिस अधीक्षक मुंगेर सर के मार्गदर्शन और उनके गाइडेंस में किया जा रहा है। सर, ये जो मामा खगड़िया का रहने वाला है, वो वहाँ से गांजा सप्लाई करता था क्या? अभी देखिए, अभी तो कांड अनुसंधान अंतर्गत है, इसमें बहुत सारे एविडेंसेस आएंगे। हम पहले भी बोले हैं कि ये गांजा कहाँ से ली, यानी बैकवर्ड लिंकेज, और ये लोग कहाँ कहाँ बेचते थे और ये कब कब से इस मतलब खरीद बिक्री में है, ये सब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इनकी क्या आपराधिक इतिहास रही है, ये भी आसपास के थाना को प्रतिवेदन दिया जा चुका है। और अभी तत्काल के लिए यह 4.25 केजी गांजा को सीज किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टा में नीरज और राजा, जो आपस में मामा भगिना के रिलेशन में हैं, उनके घर से बरामदगी गंगानगर से।